नमस्ते दोस्तों, देव नर्सरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा जैसे पानी ज़्यादा बारिश होने के कारण पौधा खराब होने लगता है या पानी में डूब जाता है, उसका कैसे उपाय है। जैसे अब इतना सारा मेरा पानी में डूब गया है तो क्या मर जाएगा? हर महीने में डूबता है या ज़्यादा पानी होता है डूबता है, तो हमारा पौधा एक भी खराब कभी होता नहीं। इसका दवाई है अथवा चीज़ का उपाय रहता है। एक रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता कहीं ना कहीं खुल जाता है, तो कभी भी हिम्मत न हारिए। मैं बताऊंगा इसका, जैसे आप ज़्यादा बारिश के कारण कुछ सीजनल पौधा भी लगाए, परमानेंट पौधा भी है, पौधा खराब हो रहा है, गल जा रहा है, कौन सा दवाई डालना से ठीक हो जाएगा, तो मैं आज बताऊंगा। आप मेरा देव नर्सरी में सब चीज़ मिलेगा देखने का। तो देखिए, जैसे कि पौधा किस तरह का पानी भर गया है और इधर है, इधर गुलाब भी है, और क्या बोलते हैं सीजनल पौधा थोड़ा सा सामने रख दिया हूँ। तो सीजनल पौधा क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा पानी के कारण डूबने से ज़्यादा मरने का डर रहता है, इसलिए इसको ऊँचा में रखा हूँ। बाकी पौधा गुलाब गुलाब का है, ये पौधा को उतना डर नहीं रहता है। और ज़्यादा 24 घंटा से 48 घंटा तक पानी अगर भरे रहने के कारण पौधा कई बार पत्ता झड़ने लगता है, तो या पौधा मर भी जाता है। तो इसको मैं बताऊंगा किस टाइप का करेंगे तो पौधा ख़राब नहीं होगा और कैसे दवाई डालना चाहिए। तो ऐसे करके आप भी उगा सकते हैं। जैसे टेबल कामनी है सामने जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला टेबल कामनी, ये तो एक बार पानी अगर भर जाए तो पौधा कोई बता नहीं सकता, जल्दी से ख़राब होता है। अगर जिनको दवाई के बारे में नॉलेज है तो बचा लेते हैं। इसे मैं बताऊंगा आपको क्या दवाई डालना है। जैसे जासून का पौधा है, क्योंकि पानी के भरने के कारण पत्ता खराब हो जाता है, पौधा भी मर जाता है, मरने का डर रहता है। जैसे आपको भी बताऊँगा आपको हो जाएगा। देखिए हमारे नर्सरी में सब चीज़ सीखने को मिलेगा आपको, एक भी पौधा आपको खराब नहीं होगा। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं और बता देता हूँ कौन सी दवाई डालना है। दोस्तों, कभी भी पानी में पौधा डूब जाए, ज़्यादा बारिश हो, लगातार पानी होने के कारण अच्छा अच्छा पौधा का पत्ता नरम पड़ जाता है, या कई बार सीजनल पौधा है तो मरने का तादाद में आ जाता है, या पौधा कई बार ख़राब भी हो जाता है। ख़राब होगा तो उसका बात ही अलग है, जो गल रहा है या फूल कम खिल रहा है, तो ज़्यादा बारिश होने के कारण पौधा का जड़ कमज़ोर पड़ जाता है, तो फूल कम खिलता है। इसीलिए आप इसको डालिए, ये दवाई खुला लीजिए, इसको कोनिका बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया दवाई है। पौधा आपको गल रहा है, मर गया तो कोई बात नहीं, गला हुआ पौधा को जिंदा कर देगा। और बहुत आसान तरीका से, देखिए हमारे नर्सरी में इतना सारा आपको दिखाया हूँ, पूरा पौधा पानी में डूबा है, अब जैसे पानी निकल जाएगा तो इसके बाद हम लोग तुरंत ये दवाई को स्प्रे कर देंगे, बड़ा स्प्रे डाल के स्प्रे कर देंगे। तो आपको जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको 30 ग्राम डालते हैं 16 लीटर पानी में, और एक चम्मच डालते हैं इसमें, डाल रहा हूँ 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालते हैं और उसको डाल के स्प्रे करते हैं। देखिए कितना फ्रेश है, खाना खाना पौधा है, नया ब्रांड। दवाई कभी भी डाले तो स्प्रे पूरा इसको नहला दीजिए पूरा इसे, अभी डालना नहीं है दोस्तों, ये पानी पूरा निकल जाएगा तो मैं डालूंगा। एक दो दवाई मैं थोड़ा सा आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने नर्सरी में हो या अपने अपने गमले में हो या फिर बगीचे में आप डाल सकते हैं। ज़्यादा पानी गिरे तो इसको डालिए, इसमें थोड़ा सा आप सोनाटा या मनोधन आप अपने हिसाब से जैसे 7-8 बूंद मिला के डाल सकते हैं, कीड़ा लग रहा है तो। लेकिन शुरू में आप कीड़ा की दवाई मत डालिए, जब पानी भर गया ज़्यादा बारिश हुआ है तो पाउडर डालिए, उसके बाद अगले हफ्ते फिर कीड़ा की दवाई डालिए। तो ऐसे करके आप ये दवाई डाल के आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। दोस्तों, हर सीजन का अलग अलग अपना तरीका रहता है दवाई डालने का, खाद डालने का। ठंडी में भी अलग दवाई डालते हैं, बारिश में अलग और गर्मी में अलग। जैसे बारिश ज़्यादा हो गया, पानी भर गया, तो उसका भी दवाई आता है। जैसे मौसम के हिसाब से, जैसे तबीयत भी कई कई बार मौसम के हिसाब से ख़राब हो जाता है, तो वैसी पौधे भी ज़्यादा बारिश होने के कारण ख़राब होने लगता है। तो आप चिंता मत कीजिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं। जैसे ठंडी आता है तो शरीर में ठंडी लगने लगता है, वही शरीर में जब गर्मी आएगा तो पसीना निकलने लगेगा, वही शरीर में फिर बारिश आएगा तो सब ताजगी आ जाएगा। तो सबका सिस्टम रहता है, मैं सब चीज़ बताऊँगा आपको एक चीज़ करके। आप मेरे चैनल में आप हमेशा देखते रहिए, हर चीज़ मिलेगा, आपका एक भी पौधा ख़राब नहीं होगा। जो लाल ये पहले से उसको भी ठीक कर दूंगा, जो ख़राब हो रहा है उसको भी ठीक कर दूंगा, जो नया ले जाएंगे कैसे लगाने हैं वो भी बताऊंगा। तो मेरा वीडियो ऐसे नया वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।